नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक्स हमने एनालिसिस किया आज तक, उन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो जहां से आपको सुविधा मिले टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा आपको पीडीएफ, तो यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर जो हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से रहा। आंसर जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा और इस वीडियो के एंड में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी एनालिसिस करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत प्रदेश के कितने जिलों में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर तरीके से इसे तैयार करके जाइएगा क्योंकि मिलेट मिशन की जो तारीफ है खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जो भी छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए। तो इस पे अगर इस टॉपिक को बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर नहीं किए हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बेहतर तरीके से एनालिसिस किया था, तो उस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लक्स टावर किस वनमंडल क्षेत्र में लगाया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इसका भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए इसके बाद आज हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश के 86% परिवारों में किसी एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है और इसके लिए प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है। डिटेल से इस टॉपिक को हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है, तो क्या है इसकी विशेषताएं, इस पर भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा में परिपालन में संस्कृति विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई है, यानी कि एक और नए पुरस्कार की स्थापना की गई है जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीफ में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, राज्य शासन द्वारा साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव का संयुक्त रूप से 5 दिवसीय आयोजन 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, हाल ही में बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया और कुछ खेल अकेडमियों का भी शुभारंभ किया गया है, भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, स्कीम है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो इसे भी हम ब्रीफ से देखेंगे। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, प्रधानमंत्री हाल ही में रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण किया है, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या, कहाँ स्थित है, किस प्रकार से कार्य करता है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा, लोक साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके कोंडा गांव के हरिहर वैष्णव का हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो प्रीलिम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस टॉपिक में। इसके बाद अगला टॉपिक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, यह गिरावट किस प्रकार से दर्ज की गई है ये भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी हम ब्रीफ से एनालिसिस करेंगे। चलिए इसके बाद अब हम एक एक टॉपिक का यहाँ ब्रीफ में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से संबंधित। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको याद है 2018 में एक स्कीम शुरू किया गया था जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जा रहा था। उस योजना का नाम क्या था, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू किया गया,
कौन सा स्कीम? उस स्कीम का नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना में 5 स्कीम को मर्ज कर दिया गया था, जिसमें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे भी मर्ज कर दिया गया था। और कौन कौन सी स्कीम को मर्ज किया गया था आगे हम ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। यहां पर सबसे पहले यह समझाना जरूरी है कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में मर्ज किया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 86% परिवारों को कवर किया गया है, यानी कि 86% परिवारों में से किसी न किसी एक का जो है यहां पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जो कि पूरे देश भर में टॉप स्टेट में से छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है, जहां पर जो एलिजिबल है वहां मैक्सिमम परिवारों को कवर किया गया है। याद रखिएगा कि इस स्कीम के अंडर जो एलिजिबल है उन परिवारों में 86% परिवारों में से किसी न किसी एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, ठीक। आयुष्मान भारत योजना को शुरू किए हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और 3 वर्ष का पखवाड़ा मनाया जा रहा है यहां पर, और छत्तीसगढ़ में भी इस पखवाड़े का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। इसी दौरान जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत में जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में मर्ज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया गया है, जो हम आगे देखने वाले हैं। राज्य में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत लगभग 1,05,00,000 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया जा चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत यहाँ पर लोगों को शामिल किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने के मामले में 3रे स्थान पे है, और पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे है आपका झारखंड आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में। आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में देश में लगभग 3रे स्थान पे है, इस बात को याद रखिएगा। राज्य में योजना की शुरुआत से अभी तक लगभग 1,37,00,000 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। अगर मेंस एग्जामिनेशन में आपसे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये जरूर डेटा मेंशन कीजिएगा कि पूरे प्रदेश में लगभग 1,37,00,000 हितग्राहियों का इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी समझिएगा कि आयुष्मान कार्ड है क्या। तो आयुष्मान कार्ड अभी शुरुआत के दौर में आयुष्मान योजना के तहत में जो BPL परिवार हैं उनको एक कार्ड मुहैया कराया गया है, ताकि उस योजना के तहत में जो भी हॉस्पिटल अधिग्रहित किए गए हैं या फिर जिसके साथ में उनका समझौता हुआ है उस अस्पताल में आप उस कार्ड के जरिए 1 साल में 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, ठीक। अब यहां पर याद रखिएगा कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार आयुष्मान भारत योजना के तहत में दिया गया है, जिसमें से पहला जो पुरस्कार है वो चॉइस सेंटर्स के माध्यम से देश भर में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, चॉइस सेंटर में देश भर में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन कराने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम 1 सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकास खंड के कुशमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक श्री सुनील कुमार कुशवाहा को आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में 2रा स्थान प्राप्त हुआ है, तो एक तीसरा अवार्ड हो गया। और चौथा अवार्ड है प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया गया है, तो छत्तीसगढ़ के इस मामले में 3रे स्थान पर है। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन कराने के लिए इस तरह से 4 अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, और 4 अवार्ड को जो है नाम आपको याद रखना है। मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत योजना चलाया जा रहा है उसके लिए भी किस तरह से यहाँ पर सरकार जो है वो कार्य कर रही है, ठीक। स्कीम्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं तो भी इसे एक बार बेहतर तरीके से देख लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। शुरुआत कब हुआ? तो 1 जनवरी 2020 से पूरे प्रदेश भर में शुरू है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में 5 योजनाओं को समाविष्ट किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिराई, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है 2, और 3
जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही थी उसे भी इस स्कीम में मर्ज कर दिया गया। कौन कौन सा वो स्कीम था? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। तो इस तरह से कुल 5 योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना बनाया गया, यानी कि 1 जनवरी 2020 से इसे लागू किया गया। तो इन 5 योजनाओं का नाम भी आप याद रख सकते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरुआत कब हुआ? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुआ? झारखंड से हुआ, ठीक। और इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जा रहा है। और प्रीमियम आपको नहीं भरना है, प्रीमियम आपका सरकार ही भरेगा। अच्छा, इस स्कीम का जो प्रीमियम है ना, वो 60-40 का रेशियो है, यानी कि 60% का जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% का जो फंड है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल स्टेट्स के लिए। अगर आप पहाड़ी स्टेट्स की तरफ चले जाओ या पूर्वोत्तर स्टेट्स की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर जो ये फंड का रेशियो है 90-10 का है, यानी कि 10% उन राज्यों को वहन करना पड़ेगा और 90% खर्च जो है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधायिका नहीं है वहाँ 100% जो फंड का खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। तो फंडिंग किस प्रकार से है इस योजना में, इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक परिवार को जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, शुरुआती दौर में ये VPL परिवारों के लिए शुरू किया गया है, तो उनको प्रत्येक वर्ष एक परिवार को, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, तो एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। किनको किनको? माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए। माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार का मतलब है कि अगर आप अस्पताल में एडमिट होते हैं, आप क्रिटिकल सिचुएशन में हैं या फिर आप 3-4 दिन अस्पताल में एडमिट रहते हैं तो वहाँ पर आपको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ें आगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 सालों में देश में प्रथम स्थान पर रहा है पुरुषों में नसबंदी के मामले में, ठीक। किस प्रकार से नसबंदी यहाँ पर प्रदेश में किया गया है, कौन कौन से साल में कितना हुआ है, इस आंकड़े को भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर समझ लें। अभी तक प्रदेश में 4905 पुरुषों ने जो है वो नसबंदी कराया है। 2017-18 में 966 पुरुष, 2018-19 में 727 पुरुष, वर्ष 2019-20 में 1695 और 2021 में 168। और इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 21 और 22 में तो अब तक का सबसे ज़्यादा 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराया है। अब नसबंदी आवश्यक क्यों है? आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि परिवार नियोजन की अगर हम बात करें तो 1960 का वो दशक था जब भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था, यानी कि इंडिया समझ चुका था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो नसबंदी जैसे प्रोग्राम को शुरू करना बहुत ज़रूरी है और इसे प्रोत्साहित करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर आप देखोगे तो 2014 में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, 2014 में ही नसबंदी के दौरान ही 14 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी छत्तीसगढ़ में ही, जो कि पूरे देश में भी इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैलाने का सरकार काम करती है, लेकिन सरकार को भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उससे भी ध्यान देना कि इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके जान माल की हानि ना हो। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है नसबंदी की, आज के टाइम पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड पॉपुलेशन देखोगे तो कितना है, 7.7 बिलियन पूरी दुनिया की आबादी है। अब ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक यह जो पॉपुलेशन है 8.8 बिलियन की हो जाएगी और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यानी कि चीन को पछाड़कर। अगर हम यही 2050 की बात करें तो 2050 में 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा पूरी दुनिया को। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और खासकर भारत जैसे देशों में जनसंख्या नियंत्रण और भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप भारत में देखोगे तो पूरी दुनिया का लैंड हमारे पास 2% है, यानी कि जितना भी भूभाग है पूरी दुनिया का सिर्फ 2% हमारे पास है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की पॉपुलेशन का 16% हमारे पास है। तो इसीलिए हमें और ज़रूरी हो जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो
सरकार अगर कोई कदम उठा रही है, लोगों को जागरूकता फैला रही है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और छत्तीसगढ़ में नसबंदी जो है ग्रामीण स्तर पर मोर मितान मोर संगवारी चौपाल आयोजन कर पुरुषों में नसबंदी कराने हेतु प्रेरित कर रही है। तो इस कैंपेन का भी नाम याद रखिएगा, मोर मितान मोर संगवारी चौपाल। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी कराने वालों को 2,000 रुपये और उत्प्रेरक यानी कि जो उसे मोटिवेट कर रहा उसे भी 250 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक, चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार। एक नया पुरस्कार की घोषणा जो है प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और इस वर्ष से ही यह नया पुरस्कार जो है वो लोकपंथी लोक नृत्य के क्षेत्र में अब लोगों को दिया जाएगा, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं। तो इसकी स्थापना हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। और इस पुरस्कार को गठित किए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है, लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों और संस्थानों को मोटिवेट करना और उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित करना। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की नियमावली का प्रकाशन जो है वो 10 सितंबर 2021 को हो चुका है, यानी कि इस वर्ष जो राज्योत्सव में पुरस्कार दिया जाएगा, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इसका घोषणा पिछले वर्ष ही 18 दिसंबर 2020 को ही किया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को पता होगा। जैसे देखो, यहाँ पर आपने ये जाना कि देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की जो है वो घोषणा की गई है, यानी कि अब एक और पुरस्कार ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार पहले से जो लोगों को दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है लोक शैली कला के क्षेत्र में, लोक शैली कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अब इसी नाम से एक अलग से पुरस्कार दिया जाएगा सिर्फ लोक शैली पंथी नृत्य पुरस्कार के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार पहले से ही दिया जा रहा था लोक शैली कला के क्षेत्र में, अब इसमें एक और पुरस्कार को ऐड किया गया, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, पहले से जो दिया जा रहा था वो अलग है, अब जो दिया जा रहा है वो अलग है। पहले से लोक शैली कला क्षेत्र में यानी कि सारे लोक शैली कला क्षेत्र को शामिल था, अब लोक शैली कला क्षेत्र से पंथी नृत्य को अलग कर एक अलग से पुरस्कार का गठन किया गया है। तो इस बारे में भी आप याद रखिएगा। और संस्कृति विभाग की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार जो राज्योत्सव के अवसर पर दिया जाता है, अब उसकी संख्या हो गई है 8 टोटल, पहले 7 था अब हो गया 8। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें देवदास बंजारे के बारे में भी याद रखना होगा। देवदास बंजारे का जो जन्म है 1 जनवरी 1947 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो धमतरी के सांकरा गांव में हुआ था। ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि चरणदास चोर में इन्होंने पंथी नृत्य करके दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया था। और चरणदास चोर जो है वो किस के रचयिता कौन है? तो हबीब तनवीर। तो इनके जो चरण हबीब तनवीर का जो चरणदास चोर था उसमें भी इन्होंने पंथी नृत्य किया था जिसमें दर्शकों को इन्होंने खूब लुभाया था। ठीक, और पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत क्या दिया जाएगा? तो 50,000 रुपये सम्मान और प्रतीक चिन्ह इन्हें प्रदान किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार स्थापित है पहले से ही प्रदर्शनकारी लोक शैली क्षेत्र के अंतर्गत में दिया जाता है, और अब संस्कृति विभाग की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी संख्या अब हो चुकी है टोटल 8। ठीक, पंथी नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है, यह सतनाम पंथ का एक नृत्य है। पंथी नृत्य के लिए हर साल 18 दिसंबर का दिन बहुत खास होता है क्योंकि ये गुरु घासीदास का जन्मदिवस मनाया जाता है। और सतनाम पंथ के बहुत बड़े जो अगर आप कह सकते हो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं गुरु घासीदास महंत जी। ठीक है, और इस दिन सफ़ेद धोती कमरबंद घुंघरू इस तरह से जो है पहनकर इनके द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो मंदार व झांझ है। झांझ जो है हाथ से बजाते हैं और मंदार जो है वो ढोल की तरह एक होता है उसे बजाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ट्राइब्स एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपसे पंथी नृत्य से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव। इस साल जो आपका राज्योत्सव मनाया जाएगा उसके साथ ही आपका
ट्राइबल फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। और यह जो इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल और राज्योत्सव होगा, इसके आगे साल जोड़ा गया है। साल वृक्ष आपको याद है, प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष है, तो इसीलिए राजकीय वृक्ष इस साल का थीम आप कह सकते हो। तो पूरा जो फेस्टिवल का नाम होगा साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव, आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है या आगे जोड़ देगा, हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में राजकीय पशु जोड़ देगा, राजकीय पक्षी जोड़ देगा, या फिर राजकीय वृक्ष जोड़ देगा। तो आंसर क्या होगा? राजकीय वृक्ष। ठीक, कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ खेल एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। कहाँ कहाँ? बिलासपुर और रायपुर में टोटल 7 एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। इसकी लागत कितनी है? 42,14,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण और कुछ का भूमि पूजन भी किया गया है। इसमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी को खोला गया है, ताकि यहाँ पर खेल की जो संभावना है उसे बढ़ाया जा सके, लोगों को मोटिवेट किया जा सके, यूथ को आगे लाया जा सके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और आपको पता है कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें जो भारतीय पार्टिसिपेट करेंगे, तो छत्तीसगढ़ से किस खेल को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल अलॉट हुआ है, तो वो है आपका तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। तो इसके बारे में भी आपको याद होगा। ये जो पॉइंट है ना, इसे आप अंडरलाइन करके इम्पॉर्टेंट करके मेंशन कीजिएगा, राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना। कुछ दिनों से ये कंट्रोवर्सी भी है, विवादों में भी है, अपोजिशन की तरफ से इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके तहत सरकार ने कहा है कि 13,259 राजीव युवा जो है मितान क्लब खोला जाएगा और इन क्लब को हर साल 1,00,000 रुपए सहायता भी दिया जाएगा, ताकि जरूरत वहां पर पूरा किया जा सके। राजीव गांधी युवा मितान क्लब आप एक तरह से सोशल इम्पावर करने के लिए, छत्तीसगढ़ के यूथ को इम्पावर करने के लिए, सोशल इम्पावर करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। अपोजिशन की तरफ से कुछ ब्लेम भी लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये और भी न्यूज़ में हो जाता है। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत में टोटल 13,259 राजीव युवा क्लब मितान क्लब खोला जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में भी एनालिसिस किया था, इसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। और इस एकेडमी के लिए खिलाड़ियों का जो चयन है राज्य स्तरीय पर 11, 12 और 13 अक्टूबर को किया जाएगा, यानी कि जो भी एकेडमी बिलासपुर और रायपुर में खोले गए हैं उसके लिए 11, 12 और 13 अक्टूबर को राज्य स्तरीय आयोजित किया जाएगा। तो अगर आप भी हैं, अगर किसी खेल को खेलते हैं इनमें से 4-5 जो खेल का नाम मैंने बताया, तो आप भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए अगला जो टॉपिक है, मुख्यमंत्री लोक कला प्रोत्साहन योजना। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई स्कीम है तो स्कीम और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चांसेस जो हैं, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कला प्रोत्साहन योजना जो है वो लागू किया गया। और इसके अंतर्गत राज्य के लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, तीज त्यौहार, खान पान, शिल्प कला, सौंदर्य कला, वाद्य यंत्र के संरक्षण संवर्धन किया जाएगा, यानी कि पूरा आर्ट एंड कल्चर को संवर्धित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है 10 सितंबर 2021, यानी कि यही ये डेट है जिस तारीख से इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो 10 सितंबर 2021 का यह डेट याद रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि जो है वो दिया जाएगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। तो इस स्कीम की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी किस प्रकार से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों को चिन्हारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और समस्त स्रोतों के वार्षिक आय, यानी कि जो भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं उनका जो वार्षिक आय है वो 96,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर इस स्कीम के तहत आपको एलिजिबल होना है या फिर जो सहयोग राशि है उसे प्राप्त करना है। तो वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार आपको प्रोत्साहन राशि दिया जा सकता है इस स्कीम के तहत। और कलाकारों का जो पात्रता चयन संबंधित है, एक कमेटी भी बनाया गया है 5 सदस्यीय, इसे भी याद रखिएगा अंडरलाइन करके। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इस स्कीम में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए कितने सदस्य कमेटी का गठन किया गया। तो 5 सदस्यीय ये कमेटी है जो निर्धारित करेगी कि किसे लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत में एलिजिबल हैं और किन्हें यह राशि दिया जाना चाहिए। ठीक,
इसके बाद अगला जो टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट ICAR। ICAR इसके आगे नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से ये इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट। और हाल ही में ये हालांकि रायपुर में 2012 में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इसके नए परिसर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और वर्तमान में यह जो संस्था है जैविक स्ट्रेस में बुनियादी व रणनीतिक अनुसंधान, मानव संसाधन और राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए नीति समर्थन के लिए कार्य कर रहा है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग का जो है वर्तमान समय में इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अलग अलग रिसर्च किया जा रहा है बायोलॉजिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और जैविक स्ट्रेस के में बुनियादी रणनीतिक रिसर्च भी किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, जैविक स्ट्रेस प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार के लिए 4 स्कूल हैं, यानी कि यह जो नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट है पूरे देश में अपने आप में पहला इस तरह का जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे रायपुर में है। और जैविक स्ट्रेस प्रबंधन अनुसंधान शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसमें 4 स्कूल हैं। पहला फसल स्वास्थ्य बीमा विज्ञान अनुसंधान, यानी कि फसल के स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर जो भी रिसर्च किया जा सकता है वो किया जा रहा है। दूसरा फसल प्रतिरोध प्रणाली अनुसंधान, यानी कि फसलों को कीड़े मकोड़े से बर्बाद होने के लिए किस प्रकार से उन्हें बचाया जा सके, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। तीसरा है फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर है, ये भी है। और चौथा है फसल स्वास्थ्य नीति, यानी कि स्वास्थ्य नीति से संबंधित किस प्रकार से पॉलिसीज बनाए जाएं, इसके लिए भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर अवेलेबल है। तो आप कहोगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या, ये काम क्या करता है? तो एक प्रकार का ये इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे देश भर में अपने आप में पहला इंस्टीट्यूट है जो इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला गया है ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये इसका जो मुख्य कार्य है, इन 4 तरह का रिसर्च वर्तमान समय में ये कर रहा है और इसी क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये जाना जाता है। और इसे स्थापित 2012 में किया गया था। एक कमिटी थी वीरप्पा मोइली निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इसे गठित किया गया था। ठीक, और हाल ही में इसका नया परिसर जो है वो उद्घाटित किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 80 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है बस्तर के लोक अध्येता कहे जाने वाले हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोंडा गांव के रहने वाले थे, जिनका जन्म कहीं और हुआ था लेकिन वर्तमान समय में कोंडा गांव में रहते थे। हरिहर वैष्णव जिनका जो निधन है 66 साल की उम्र में हो गया। इनकी ज़्यादातर कविताएं और साहित्य बस्तर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस्तर के जो लोक और साहित्य कला के क्षेत्र में इन्होंने अद्वितीय पहचान बनाया है और लोगों के लिए बहुत बेहतर कार्य किया है। अब तक प्रकाशित हो चुकी है इनकी 24 पुस्तकों के अलावा कुछ प्रकाशन की प्रक्रिया भी जारी थी और कुछ अच्छे अच्छे प्रकाशन भी इन्होंने किया है। जैसे इन्होंने बस्तर की बोली भाषाओं हल्बी भत्री और बस्तरी और छत्तीसगढ़िया में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में आप यहां पर जान सकते हो। कुछ रचनाओं को आप याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। मोहभंग है, बस्तर का लोक महाकाव्य, लक्ष्मी जंगार है, इस तरह से कुछ इनकी रचनाएं हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ दे। और हरिहर वैष्णव का जन्म अगर आपसे पूछे तो दंतेवाड़ा जिले में हुआ था 19 जनवरी 1955 को श्यामादास व जयमणि वैष्णव के घर पर हुआ था। लेकिन बस डेट याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि क्या छत्तीसगढ़ में जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो बेटा अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, कॉलेजियम की तरफ से सिर्फ रिकमेंड किया गया है सरकार को कि ये छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जब तक अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिस दिन वो अपॉइंट हो जाएंगे उस दिन ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, सब कुछ उनके बारे में जानेंगे और हाई कोर्ट के जज के बारे में भी जानेंगे, मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपॉइंट हो जाने दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ खबर है कि कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश की गई है। अभी प्रशांत कुमार मिश्रा ही एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो ये जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर से संबंधित, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से एक
डेटा रिलीज किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 16 सितंबर 2021 को यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो 3.8% है और राष्ट्रीय जो बेरोजगारी दर है वो 7.6% है, यानी कि नेशनल लेवल का आप आधा कह सकते हो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर। कई स्टेट से बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़, यानी कि बेरोजगारी दर कई स्टेट से कम है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश देख सकते हो, बिहार देख सकते हो, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट से बेहतर सिचुएशन में है छत्तीसगढ़। तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हो क्यों बेहतर स्थिति में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसकी ये रिपोर्ट है, इस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो यह एक प्रमुख व्यावसायिक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कंपनी है जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा रिलीज करती है। गवर्नमेंट को इसमें हेल्प होता है चीज़ों को जानने में। 1976 से यह कार्यरत है, एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में स्थापित है, यानी कि बिल्कुल तरह से यह स्वतंत्र है, किसी प्रकार से इस पर कोई दबाव नहीं है। एक एनजीओ के रूप में आप इसे कह सकते हो, जो कि आर्थिक और व्यावसायिक डेटाबेस उपलब्ध कराता है और यह अर्थव्यवस्था में नीत नए रुझानों को समझने के लिए भी डेटा उपलब्ध सरकारों को कराता है। अब यहाँ पर समझिए कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में कम क्यों है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो 74% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इससे भी अधिक, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि या तो फिर वनोपज पर आधारित है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू किया गया है। तो इस तरह से ग्रामीणों का इनकम बढ़ा है इन योजनाओं के माध्यम से। और मनरेगा के तहत भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल राज्य है पूरे देश भर में। तो इस स्थिति के आधार पर आप कह सकते हो, या फिर महिलाओं के लिए भी जो स्वावलंबन योजना चलाया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथ में सीधा पैसा दिया गया है। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटा है। तो इसीलिए अगर आप 74% रूरल एरियाज़ में अगर छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन रहती है और उस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ठीक है, तो इस आधार पे छत्तीसगढ़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है। ठीक, चलिए अब हम फटाफट जो शुरू में हमने क्वेश्चन पिछले लेक्चर का डिस्कस किया था, क्वेश्चन आपको दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत कितने जिलों में की गई है, तो आंसर होगा आपका 14। ये प्रथम चरण है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, बस प्रथम चरण अगर आपसे पूछा जाता है तो 14 जिलों में शुरू की गई है। मिलेट मिशन यानी कि जो बाजरा होता है, रागी होता है, कुटकी होता है, उसे समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए उसे भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। तो मिलेट मिशन से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके पॉइंट्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ब्रीफ में वहां पर एनालिसिस किया हुआ है। दूसरा टॉपिक है, पहला कार्बन फ्लक्स टावर किस वनमंडल क्षेत्र में स्थापित किया गया है, तो ये है आपका बलरामपुर वनमंडल क्षेत्र में प्रदेश का पहला कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया। उस वनमंडल क्षेत्र में कार्बन का उत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है, कितना कार्बन सोख रहा है, कितना उत्सर्जित कर रहा है, तो इस सारे डेटा जो है इस कार्बन फ्लक्स टावर की मदद से वहां पर जानकारी मिल सकेगा। तीसरा है, हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, धान का एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जाना पीपीपी मॉडल पे, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का और पहला, तो वो है आपका कवर्धा जिले में, कहाँ, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। अब ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मक्का पर आधारित, तो ये आपका स्थापित किया जाएगा कोंडागांव जिले में। आपको पता है कि मक्के का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कोंडागांव जिले में, इसीलिए यहाँ पर हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था, तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बस थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। मक्का पर आधारित यहाँ पर जो है दंतेश्वरी माँ का जो मक्का संयंत्र वहाँ पर स्थापित है दंतेश्वरी माँ के नाम पर, वहाँ पर जो है एथेनॉल संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है उसी है कोंडागांव। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।